तो दोस्तों हम बात करेंगे कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में। कोल इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे आज हमको स्टॉक है 1.16% की यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ से हम स्टॉक की बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में और गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अब और गिरावट कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2 का जो लेवल है ये यहाँ से स्टॉक में से सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद हमको स्टॉक में 2.23, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.18, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.12, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.07 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिवर्सल आता है तो भाई यहाँ से अब रिवर्सल की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2.27 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो हमको स्टॉक में 2.42, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.47, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.63 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट टाइप का रजिस्टेंस। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई वैसे होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।